जय हिंद। देखिए, चीन में अभी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF.7 बहुत ही तबाही मचाए हुए है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि इस कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का क्या क्या लक्षण है, जिससे यह पता चल सके कि कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है। और साथ ही में इससे हम जानेंगे कि भारत के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसके तरफ से कौन कौन से ऐसे एडवाइजरी जारी किए गए हैं। और अभी तक हम देखेंगे कि कोरोना वायरस के जो कि बहुत सारे फॉर्म में म्यूटेट कर चुका है, मतलब इसके बहुत सारे वेरियंट है और सब वेरियंट है, इसको भी डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अभी हम जान लेते हैं कि चीन की जो वर्तमान स्थिति है वो कैसी है। तो देखिए, अभी चीन के जो वर्तमान स्थिति है वो कोरोना वायरस से बहुत ही जूझ रही है। यहाँ पर देखेंगे प्रतिदिन लाखों में मामला आ रहे हैं कोरोना वायरस के। और ये जो कोरोना वायरस है, इसका ये जो नया स्वरूप है, नया वेरियंट है, जिसका नाम है BF.7। देखिए, ये ऐसा चीन में हालत बना दिया है कि वहाँ के जो मरीज है प्रतिदिन समझ लाखों की संख्या में इससे संक्रमित हो रहे हैं। और जो चाइना का अस्पताल है, उस अस्पताल समझिए पूरी तरह से भर गए। वहाँ पर जो बेड होता है उस पर तो समझिए वहाँ के जो मरीज है वह गिर गिर कर नीचे गिर रहे हैं। और वैज्ञानिक भी उनको चेक करने से डरा रहे हैं। और इसी के इस पर हम थोड़ा चाइना के जो सरकार है उस पर हम ध्यान देंगे। तो इस कोरोना को लेकर, जो कोरोना वायरस की ये नए वेरियंट है BF.7, इसको लेकर वहाँ के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वह एक नीति लाया था जिसका नाम है जीरो कोविड नीति। जीरो कोविड नीति। और देखिए, इस नीति के बहुत ही कड़े नियम थे। इतने कड़े नियम होने के बावजूद भी ये जो है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इससे लोग संक्रमित भी हो रहे हैं और ये जो है भारत में भी आ चुका है। इसको हम थोड़ा आगे चलते समझेंगे। तो देखिए, ये जो जीरो कोविड नीति है, इसके तहत वहाँ के राष्ट्रपति बहुत ही कड़ा नियम लगाए। और इस नियम से जो थे वहाँ के जो जनता थी वो भी संतुष्ट नहीं थी। और जो यहाँ के जनता थी वह वहाँ के राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्रपति को वहाँ पर राजतंत्र चलता है, वहाँ उसके विरुद्ध ये समझिए विद्रोह कर दिए। और वहाँ के जो इसके जो जन सैलाब है, मतलब जन जो यहाँ के लोगों का आक्रोश है वहाँ के राष्ट्रपति के प्रति, वो इसको संभाल नहीं पा रहे। और ऐसा खबर आ रहा है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो भागने की तैयारी में, मतलब कि इतने कोई। और इसी के तरफ से आप देखेंगे, अब कुछ दिन पहले जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हमला हुआ था, और इसी के कारण देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग में हमला हुआ था, वहाँ का राष्ट्रपति चाहता था कि इस कोरोना वायरस के जो जीरो कोविड नीति था, इसके तहत जो लोगों में आक्रोश थी, वो चाहता था कि सब लोगों का ध्यान अपने देश की तरफ कर दे। और इसने भारत के ये जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग है उसके तरफ हमला कर दिया और भारतीय सैन्य को बहुत ही से मार मारा है। तो यह भी इसका प्रयास असफल रहा है और ये वहाँ का राष्ट्रपति चाह रहा है कि यहाँ से हम भाग जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कोरोना वायरस का नया वेरियंट है BF.7, यह बहुत ही खतरनाक है अपने आप में। तो देखिए, इसको इसको ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसने अपने एडवाइजरी भी जारी किया है। और भारत में भी अब इसका लगातार, मतलब कि ये जो है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, इसका संख्या बढ़ रहा है। फिलहाल में जो दो आए थे मामला, दो गुजरात से और एक उड़ीसा से आए थे। तो इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत ही एडवाइजरी जारी किए गए, जिसको हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, चाहे रक्षा मंत्रालय है, चाहे विदेश मंत्रालय, वो सब जब देश की बात आती है तो सब बहुत ही ध्यान से काम करते हैं। और ये इसको देखते हुए, चाइना की हालत देखते हुए, यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो स्वास्थ्य मंत्रालय, इसने एडवाइजरी जारी किया। देखिए, इसने पहला आदेश दिया है कि जीनोम सिक्वेंसिंग कराना चाहिए। देखिए, जीनोम सिक्वेंसिंग के तहत ये पता चलता है कोरोना वायरस के वेरियंट का, क्योंकि अब देखेंगे ये जो नया कोरोना वायरस के वेरियंट है, ये सब व्यक्ति को कराना चाहिए जीनोम सिक्वेंसिंग। जैसे कि इसके BA.1 है, BA.2 है, BA.4 है, BA.5 है, ओमिक्रोन है, और ये जो BF.7 देख रहे हैं, ये भी सब कोरोना वायरस के वेरिएंट, सब वेरिएंट ये सब है। तो ये जो आप जीनोम सिक्वेंसिंग करा लेंगे, तो इससे पता चल जाएगा आसानी से कि कोई व्यक्ति में कोरोना वायरस के कौन से वेरिएंट है, और उसके अनुसार जब उसे उसको दावा दिया जाता है, वो ज़्यादा ही मतलब कि सूटेबल रहेगा उससे व्यक्ति कि जो स्वास्थ्य है उसके देखते हुए। मतलब कि ये मुख्य काम जो कोरोना वायरस का वेरियंट है उसको पहचानने में जीनोम सिक्वेंसिंग बहुत ही मदद करता है। दूसरा इसने कहा, सिंपल सी बात है, सार्वजनिक जगह पर सभी को मास्क लगाने के कहा। और देखिए, इसको लापरवाही न बनिए, इसको हर हालत में हम सभी भारत के नागरिकों का पालन करना फर्ज है। और ये आप देखें, इससे पहले दो साल पहले देखिए 2020 में हालत हुआ था, वो बहुत ही खराब होता है। इसको हल्का में नहीं लेना है। चीन के जनता यहाँ पर समझिए त्राही मम कर रहा है। तो सार्वजनिक जगह पर जब भी जाइए मास्क लगा के जाइए। और इसके जो विदेशी यात्री है, क्योंकि ये सबसे पहले भारत में तो कोरोना वायरस आया नहीं था, कोई ना कोई विदेशी से आया होगा ना किसी कारण से। अधिकतर जो विदेशी है वहाँ के एयरपोर्ट से आएंगे, तो एयरपोर्ट पर पूरी तरह से जाँच कर दिए गए, जो भी विदेशी आएंगे उनको पूरी तरह से यहाँ पर
जांच करके तभी उनको प्रवेश किया जा रहा है। तो और भी बहुत सारा, अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन इसके प्रति भारत के हरेक नागरिक को, मतलब कि जो भी इसके नियम कानून है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय के चाहे एडवाइजरी हो और अपना से जितना हो सके वो सबको करना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक ऐसा सोचेगा तभी ये कोरोना वायरस भारत में इंटर नहीं करेगा। देखिए अब तक आप देखेंगे कि कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन है वो बहुत ही अधिक हो चुका है। जैसे कि देखिए कोरोना, इसके कोरोना वायरस का जो मेन मेन तना है, जैसे एक तना होता है मुख्य तना कहिए, इस तरह से और तना निकलेंगे इधर उधर ऊपर नीचे, जिस तरह से एक पेड़ में होता है उसी तरह से कोरोना वायरस का जो मुख्य तना है वह देखिए यह है सार्स कोविड टू, और इसके बहुत सारे वेरिएंट है जैसे ओमिक्रॉन, XXB, और देखिए ओमिक्रॉन जो भारत के इसी इसी साल अब 2022 तो खत्म होने वाला है, 2022 के जो फर्स्ट महीने मतलब जनवरी में जो कोरोना वायरस के वेरिएंट आए थे ओमिक्रॉन, और इसके इसमें जो थे देखिए दो था, ये पहला इसकी सब वेरिएंट था, ये वेरिएंट हो गया ओमिक्रॉन इसका वेरिएंट, और इस देखिए ये मुख्य तना हो गया सार्स कोविड टू, ये कोरोना वायरस का मुख्य तना और इससे निकले हुए ओमिक्रॉन, और इसके देखिए ये तो वेरिएंट हो गया, और इसके सब वेरिएंट मतलब उप शाखा, ये शाखा हो गया इसके एक और शाखा और इसमें एक और शाखा उप शाखा हो गया। और देखिए ये जो आए थे जनवरी में BA1 BA2, ये देखिए ओमिक्रॉन के उप शाखा है, ये और सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन के। देखिए इसका जो प्रभाव रहा भारत में लगभग वो बहुत ही कम रहा है, और इसका जो प्रभाव सबसे ज़्यादा अधिक रहा ये देखेंगे यूरोप में रहा, भारत में। अब देखिए इसीलिए तो जीनोम सिक्वेंसिंग कर रहा है, ताकि जीनोम सिक्वेंसिंग कराए ताकि हमें पता चल सके कोरोना वायरस के वेरिएंट और सब वेरिएंट के बारे में। तो ये जो BA1 है BA2 ये इसका भारत में उतना प्रभाव नहीं है, ये आम बात बना हुआ है, और इसका जो ज़्यादा प्रभाव देखेगा वो यूरोप में देखेगा। और अभी जो चीन में ये जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जो है BA.7, इसका आप देखेंगे कि ये जस्ट ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है जिसका नाम सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है जिसका नाम है BA.5217, इसके बराबर जस्ट समझिए BA.7 कही है या BA.5217 कही, ये दोनों आपस में बराबर है जो कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। और ये समझिए इस सार्स कोविड टू के जो कि कोरोना वायरस का मुख्य तना है इसका ये वेरिएंट ओमिक्रॉन है। अब देखिए एक और इसका ओमिक्रॉन का ये पहला शाखा सब वेरिएंट, इसका एक दूसरा वेरिएंट भी था देखिए जिसका नाम था BA.4 BA.5, ये जो BA.4 और BA.5 है ये भारत के लोगों में आम बना हुआ है, मतलब इससे ज़्यादा भारत के लोगों को उतना कुछ नहीं हुआ है। देखिए लगभग 2.5% भारत में ये मामला देखा गया है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और देखिए भारत में एक और जनवरी की बात है इसी साल के, एक और मामला जो है कोरोना वायरस का नए रिकॉम्बिनेट समझिए नए इसका नए वेरिएंट है जिसका नाम है XBB, इसका जो मामला है भारत में बहुत ही अधिक है, और इससे ज़्यादा प्रभाव भी नहीं देखेगा, और इसका प्रभाव जो इसका मामला रहा वो 65.6% रहा, इसका इससे भी ज़्यादा कोई खतरा नहीं हुआ। इसलिए ज़रूरी है जीनोम सिक्वेंसिंग, और ये जो है BA.7 इसको लेकर बहुत ही दिक्कत है, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, और इसको हम थोड़ा इसके ये जो BA.7 का जो लक्षण है इसको हम थोड़ा जानते हैं। देखिए इसका जो मुख्य लक्षण है BA.7 का, इसके बहुत सारे लक्षण है, ये जितने भी इसके लक्षण है ये सब एक साथ होना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे बुखार हो आपको, खांसी हो, गले में खराश हो, नाक बहना, थकान और उल्टी और दस्त, ये जो जितने बातें हैं सब किसी भी व्यक्ति में एक साथ होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति उल्टी दस्त कर रहा है तो चलो तुम्हें BA.7 हो गया, ये कोरोना वायरस का ना बेरी कोरोना हो गया, ये ऐसा बात नहीं है। जैसे कि कोई की थकान हो गया तो थकान कोई की जाहिर सी बात है थकान हो सकता है, लेकिन ये सब बात एक साथ रहेगी तब ऐसा माना जाता है कि ये जो कोरोना वायरस का ना वेरिएंट है इसको हो गया। लेकिन इसका जो ये तो इसका लक्षण हो गया, और इसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है, ये किस व्यक्तियों में धर पकड़ता है इसको हम थोड़ा जानते हैं। देखिए इस ये वैसे व्यक्तियों में ज़्यादा धरता है जिसका इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति दुबला पतला व्यक्ति या बूढ़े हो उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है उसके में आराम से ये हो रहता है, और ये लगातार तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर वैज्ञानिक भी समझिए पूरी तरह से इसको पूरी तरह से इसका जो वेरियंट है इसके जो लक्षण है और इसके जो बचाव है इसके लिए भी वो बहुत लगातार कितना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ऐसा देखिए माना जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इसके कारण आप देखेंगे कि अगर कोई इसी व्यक्ति में एक व्यक्ति में हो गया तो ये जाहिर सी बात है मतलब कि ऐसा देखा जा रहा है कि वो व्यक्ति 10 से 18
10 से 18 व्यक्ति को आराम से संक्रमित करेगा। ये आराम से संक्रमित उसको करना ही करना है और ये लगातार तेजी से बढ़ रहा है। और इसको हम एवरेज अगर मांगे तो 15, समझिए 15, और 15 फैक्टोरियल लगा दीजिए, समझिए ये कितना होगा। और एक व्यक्ति को धरेगा तो वो समझिए कितना में फैला देगा, 15 × 14 × 13 × ऐसे 12 × इस तरह से। अगर पूरा हम डॉट डॉट एक गुने एक तक हम करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो बहुत सारे, मतलब समझिए इसके एक के कारण इतना लोगों में ये फैल सकता है। इसको लेकर भारत के प्रत्येक नागरिकों को सजग रहना चाहिए और हम सब अगर नागरिक एक साथ अगर इस कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ेंगे और इसके जो स्वास्थ्य मतलब एडवाइजरी है इसको हम पालन करेंगे तो इसका भी नामो निशान BF.7 है, इसका भी भारत नामो निशान नहीं रहेगा और इससे हम आराम से जंग जीत सकते हैं। तो ये आप पूरे समय ये जो चीन में यह जो BF.7 की जो अभी तबाही मचो है यह इसकी पूरी कहानी है। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।